Now shifting focus to the state of Uttarakhand, where the rescue and relief operations are underway to rescue 40 labourers trapped inside a tunnel on the Yamunotri National Highway in Uttarakhand's Uttarkashi. Now food and oxygen are being sent to the workers through a pipeline. And Prime Minister Narendra Modi spoke with Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami and ensured cooperation. The Chief Minister reached the site yesterday and took stock of the situation. The district magistrate said that the debris is being removed and the tunnel walls are being stabilized to rescue the labourers trapped inside. Now, remember, a tunnel had collapsed on Yamunotri National Highway on Sunday due to an unexpected landslide nearby, leading to many labourers being trapped underneath the debris. Sir, kya kuch raha jo aapne wahan par nirikshan kiya kya? सभी एक्सपर्ट लगे हुए हैं. देखिए अंदर चूँकि जहाँ पर ये मलबा आया है और रास्ता बंद हो गया है, उससे आगे 200 मीटर टनल और बनी हुई है. बड़ा स्पेस उसके अंदर है और उसके अंदर जो 40 श्रमिक भाई हैं उन सभी से संपर्क भी स्थापित हो गया है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है. रात में उनके लिए खाने के जो सामान है वो सामान भी भिजवाया गया है. ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार चल रही है. और भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उस पर जल्दी से जल्दी रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से इसके लिए गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चिंता व्यक्त करी है. कल वो जब सीमांत क्षेत्र के अपने दौरे के बाद दिल्ली पहुँचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन पर पूछा है और फ़ोन पर सारी विस्तृत जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि हर संभव जो मदद है केंद्र सरकार की तरफ से वो करी जाएगी. हमको आश्वासन दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है कि सबकी जान बचाई जानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम सब लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं. हम सभी श्रमिक भाइयों के पारिवारिक जनों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम हर संभव उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं. स्थिति अभी ठीक है, जितने जो वर्कर हैं सारे सेफ हैं. करीब 40 अंदर हैं, उनको हम फूड भी दे रहे हैं, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, उनसे हमारी बातें भी चल रही हैं. लेकिन अंदर का जो टेरेन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, बार बार गिरता जा रहा है. तो एक मेथड होता है शॉर्ट क्रीटिंग, उससे हम कंक्रीट को वहाँ पे स्प्रे करते हैं ताकि वो एरिया हार्डन हो जाए. उसके बाद हम वहाँ से एक्सक्वेट करते हैं, सारा जो मलबा है उसको निकालने की कोशिश चल रही है. 40 लोग हैं करीब अंदर और वक्त है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. तो हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी कुछ हम हेडवे कर पाएंगे इस बारे में. देखिए अभी मैं ठीक उस टनल के बाहर खड़ा हूँ. यहाँ पर दो प्लानिंग पर यहाँ पर काम चल रहा है. पहले तो जो मलबा इस टनल के अंदर है, आप जो ये पॉइंट देख रहे हैं टनल का, इससे 270 मीटर पे वो स्पॉट है जहाँ पर ये लूज फॉल हुआ है. करीब 20 मीटर के आसपास मलबा वहाँ से निकाला जा चुका है. ऊपर से जो लूज रॉक है वो टूट रहे हैं, वो दरक रहा है, तो लगातार मलबा गिरने का एक खतरा बना हुआ है. हालांकि इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मशीनें जो इंटर कर रही हैं ये शॉर्ट किटिंग के लिए, शॉर्ट किटिंग वहाँ पर की जा रही है. यानी कि जिस जिस पोर्शन से आप मलबा हटा रहे हैं वहाँ वहाँ टनल की दीवारों पर सीमेंट का छिड़काव हो रहा है ताकि उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, मलबा न गिरे. दूसरा जो प्लान है कि देहरादून से एक स्पेशल मशीन, बोरिंग मशीन यहाँ पर मंगाई गई है, जो उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात या फिर कल तक स्पॉट पर पहुँच जाएगी. वो यहाँ पर बोरिंग करने का काम शुरू करेगी. और जो हमारी सचिव आपदा प्रबंधन से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हमारा टारगेट है कि कल रात तक इस टनल में बोरिंग कंप्लीट हो जाएगी. यानी कि जो मलबा है, मलबे के अंदर एक छोटी सी सुरंग बनाई जाएगी और उस सुरंग के अंदर ह्यूम पाइप डाले जाएंगे. तो कोशिश ये है कि इन ह्यूम पाइप के जरिए जो 40 लोग दूसरी ओर फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर निकाला जा सके.